ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से दो टेंजेंट आपने ड्रॉ की पी ए एंड पी बी। तो एक तो कह रहे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री, ये वाला एंगल किसके साथ सप्लीमेंट्री है, टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ये इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है ये इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू का सम कितना होना चाहिए, 180, ऐसा आपको प्रूफ करना है। गॉट इट, क्वेश्चन समझ आ गया। दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइंस के बीच में जो एंगल है वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। इट मींस प्रूव करो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180। अब बहुत बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। कैसे, ओ ए पी बी क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल है और ये रेडियस, ये टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख ले, टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है और जिस पॉइंट पर टच करती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, दो का कितना हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 180, तो 1 प्लस 2 कितना बचा, चार एंगल का सम 360 है उसमें से दो कितने हैं, ये भी 90 है, 90 180। तो इन दोनों का सम अगर 180 है तो इन दोनों का कितना होगा, बस यही प्रूव करना है, समझे कि नहीं। तो आपको करना क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल या पहले कह दो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर एंगल 3 और 4 दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90। अब ले लो क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 360, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें से 1 और 2 हमें फाइंड करना है, 3 एंड 4 कितने हैं 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 वहां जाकर माइनस कर दो तो 1 प्लस 2 का सम कितना आ गया 180, ठीक है। अब देखो अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है